आज कमिश्नर ऑफिस, सिटी कमिश्नर ऑफिस के पास मेरा अनशन का कार्यक्रम था और सवेरे सवेरे पूरी पुलिस फोर्स जैसे एक टेररिस्ट को पकड़ने जिस प्रकार से आती है वैसे ही आज मेरे घर पर पूरी पुलिस फोर्स आकर मुझे गिरफ्तार करके एक बोलाराम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर मुझे ले जाया गया और वहाँ पर यानी शाम के 10 बजे तक उस पुलिस स्टेशन में मुझे रखा गया। और हमने कमिश्नर साहब से ये डिमांड की थी कि जो गौ रक्षा कर रहे हैं यानी पुलिस का काम हमारे कार्यकर्ता करें, पुलिस को हेल्प एक मानो में, क्योंकि तेलंगाना राज्य में एक एक्ट है 1977 एक्ट है, वो एक्ट के अनुसार पुलिस ही खुद कोई गाय ले जाता है या गाय का बच्चा ले जाता है, अगर कोई बैल ले जाता है इनलीगल रूप से तो पुलिस उसको अरेस्ट करना और उसके ऊपर कार्रवाई करना। लेकिन तेलंगाना में पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा उनको पुलिस प्रोटेक्शन देकर गौ हत्या कराने का काम यहाँ की पुलिस कर रही है। और पुलिस कर रही है किसके आदेश पर? तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री जो एक गौ हत्यारे कहलाते हैं उनके आदेश पर कई गौ माताओं का कत्ल हो रहा है इस बार बकरीद पर, और कई गौ माताओं के छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करने की योजना बन चुकी है। तो उसके विरोध में हमने आवाज़ उठाई, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसके विरोध में आवाज़ उठाई, तो कार्यकर्ताओं के ऊपर 3 पुलिस स्टेशन में इनलीगल रूप से जो कोई कार्यकर्ता कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है ऐसे झूठे केसेस हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बुक किए गए। उन कार्यकर्ताओं के समर्थन में जब हम बात करने गए पुलिस स्टेशन में तो मुझे उस केसेस में A1 डाला गया, यानी राजा सिंह A1, बाकी के पूरे A5 A6 तक ऐसा केसेस बुक किए गए। और भी छोटे मोटे सेक्शन नहीं, तकरीबन 10-10 सेक्शन, 10-10 धाराएं लगाकर हमारे ऊपर केसेस बुक किए। हमने कमिश्नर साहब से पूछा कि यही है आपका कानून जो इनलीगल रूप से हमारे ऊपर केसेस आप बुक कर रहे, आप किसके ऊपर केस बुक करना चाहिए? उन गौ हत्यारों पर जो इनलीगल रूप से गाय बैल बछड़े को काटने ले जाए, आप उनको पकड़ने के बजाय आप हमें अरेस्ट करते? ऐसा हमने कमिश्नर साहब से पूछा तो कमिश्नर साहब ने कहा कि क्या करें, सरकार का प्रेशर है और सरकार का आज्ञा तो हमें माननी पड़ेगी। तो हमने कमिश्नर साहब को कहा आप एक कमिश्नर है, कमिश्नर होने के नाते अगर कहीं पर इनलीगल होता है तो उसको रोकने का कर्तव्य आपका बनता है। तो किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, हमें अरेस्ट किया गया और अभी जस्ट एक 10 मिनट हो रहे मुझे रिहा किया गया। और कल बकरी ईद है, बकरी ईद के अवसर पर देखिए किसी की ईद से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईद आप ईद अच्छी मनाइए, बहुत अच्छी मनाइए, हम शुभकामनाएं भी देते हैं बकरी ईद की, लेकिन हमें तकलीफ इस बात की है कि आपकी बकरी ईद में हमारे देवी देवताओं की हत्या क्यों? हम माँ समान हमारी गौ माता को हम पूजते हैं, हमारी गौ माता की हत्या क्यों? हम हमारे मुसलमान भाइयों से पूछना चाहते हैं, अगर हम आपकी ईद में अगर हम ये डिक्लेयर कर दें कि हम सुअर भी काटेंगे तो कितना तकलीफ होगी आपको, आप सोच सकते हैं। लेकिन नहीं, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपके पूर्वज यानी आपके पूर्वज किस प्रकार से बकरीद कार्यक्रम करें, हर हमेशा बकरी काट कर आप लोगों ने फेस्टिवल मनाया, लेकिन आज कुछ वोट के भिखारियों के द्वारा एक माहौल ऐसा पैदा किया गया कि हम बकरी ईद के समय पर हम गाय काटेंगे, गाय के बछड़ों को काटेंगे। ये जो देशद्रोही आज जो MIM के जो गद्दार है इनके द्वारा जो हैदराबाद में जहर गोलासो आज पूरा फैल चुका है और आज गौ हत्या के विरुद्ध हम यहाँ पर आवाज़ उठाएं और कई कार्यकर्ता भी आज हमारे साथ हैं। केसेस लगने के बाद में भी आज हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह ये है कि भले ही हमारे ऊपर और 100 केस क्यों ना हो जाए और हमें फांसी पर क्यों ना चढ़ा दे, हम हमारा धर्म निभाएंगे और गौ रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, ऐसा कार्यकर्ताओं द्वारा भी बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला है। और साथ ही साथ कल बकरी ईद के अवसर पर ब्लैक डे का कार्यक्रम मनाया जाएगा, यानी हम कहीं पर धरना नहीं करेंगे, कहीं पर कुछ नहीं करेंगे, यानी सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम ब्लैक डे मनाएंगे और जहाँ जहाँ पर जो भी कार्यकर्ता जो भी गौ भक्त है कल का एक दिन हम सब घर में बैठकर अनशन कार्यक्रम करना है एक दिन, यानी गौ माता के नाम कोई भी कल भोजन नहीं करना है, पानी ले सकते हैं, हम अन्न त्याग करें एक दिन गौ माता के नाम, कल हम ब्लैक डे मनाएंगे। और ब्लैक डे हम तब तक मनाएंगे तब तक बकरी ईद के अवसर पर गौ हत्याएं
जब तक नहीं रुकती तब तक हमारा एक कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा। पिछले 15 सालों से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है और कल भी हमारी ओर से हम ब्लैक डे डिक्लेयर करते हैं और सभी गौ भक्त से निवेदन है कि यथाशक्ति अनुसार आप जहाँ होंगे वहाँ एक दिन कल आपको भोजन नहीं करना है। धन्यवाद।